भारत में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान इसका हकदार भी है। पहले यह वीडियो देखिए, फिर मजीद बात करते हैं। बट वॉट बीन हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान पार्लियामेंट एंड यू मस्ट वॉच दीज इमेजेस, वील शो देम टू यू वन बाय वन। एंड दीज आर मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली, देयर ऑल्सो मिनिस्टर्स in Pakistan. We are hoping to talk to Chaudhry Fawad Hussain Chaudhry. He's the Minister for Science and Technology in Pakistan, and Senator Mushahidullah. Listen in to what they said, and believe me, it's not polite. Jang jeetne ke liye teen cheezon ki bahut ahmiyat hoti hai: ghairat, iman aur akal. Lekin yakeen kijiye, Pakistani qaum yani aap in teenon cheezon se khali hain. आज मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा, आप लोगों को आईना दिखाऊंगा। आप लोग वो कौम है कि जिनके इंतहाई संगीन और परेशान कुन हालात में जब आपकी शहरक काटी जा रही थी, तब भी पाकिस्तान के यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ड्रामे और गाने थे। क्या गजवा हिंद की पेशनगोई इस कौम के लिए की गई थी कि जिसकी 80% आबादी हराम खाती और कमाती है, जिनके पेट में हराम होता है, जिस कौम की 90% आबादी झूठ बोलती है, गाहक को चीज की खामियां और नुक्स बताए बगैर बेच देती है और इसको अक्लमंदी समझती है, जिस कौम की बेटियां टिकटॉक पर नाचती हैं और इस कौम के शाहीन उन्हें बड़ी खुशी से देखते हैं, और यही बेटियां और बेटे जब वालिदैन बनेंगे तो सिवाय नाचने वालों के और क्या पैदा करेंगे, और ये माएं क्या तरबियत करेंगी। हकीकत तो ये है कि बेगैरत हिंदू और यहूदी नहीं, बेगैरत आप हैं। आप पाकिस्तानी बेगैरत हैं। आप लोग वो कौम है जो वैसे तो सारा साल इमाम हुसैन के मुकद्दस नारे लगाती रहेगी, लेकिन जब वाकई में कश्मीर मैदान करबला बनेगा तो सारी कौम वही कूफा वाले बन जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था कि आप आए हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कोई अपने घर से नहीं निकला। फिर ये लोग तालिबान की मिसालें देते हैं कि तालिबान के पास कुछ भी नहीं था, कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फिर भी फतह दी। मुझे हैरत है कि ये किस मुंह से तालिबान की बात करते हैं। तालिबान को अल्लाह ने फतह दी थी तो उनकी गैरत, उनके ईमान, उनके तवक्कल, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों, उनके अजम, उनके इस्तकलाल और उनकी जिहाद की बिना पर। ना तो उनकी बेटियां टिकटॉक पर नाचती थीं, ना उनके बेटे गेम ऑफ थ्रोन्स और गानों और फिल्मों के शिदाई थे, ना वो हराम खाते थे और ना ही वो नमाज कजा करते थे। कश्मीरी तो बेवकूफ है कि उन्होंने इस कौम से सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, जिस कौम के नौजवान मुजाहिद भी हैं और मुफ्ती भी हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के। बल्कि लोग नौजवानों को और इस यूथ को बहुत सराहते हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नौजवान लानत है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज फहाशी, फहश गोई, गलाजत, नशा, इश्को माशूकी का अड्डा बनी हुई है। इन नौजवानों ने इस्लाम का मजाक बना दिया है। इन्हीं नौजवानों ने मॉडर्निज्म के नाम पे फहाशी और बेहयाई को रिवाज दिया है। हर लड़की आजकल टाइट्स पहन के फिरती है। इस्लाम और तहजीब का कोई नामो निशान ना यूनिवर्सिटीज में है ना कॉलेजेस में। आज के लड़के गर्लफ्रेंड बनाने और लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने को फखर समझती हैं। इन्हीं नौजवानों में चर्स और सिगरेट एक फैशन बन चुका है। हॉलीवुड के गाने और फिल्में और खुसूसी तौर पे नेटफ्लिक्स आज फैशन, मॉडर्न और पढ़े लिखे होने की अलामत है। और फितने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, देहात में अक्सर मस्जिद खाली पड़ी रहती हैं। बमुश्किल किसी मस्जिद में एक सबसे ज्यादा नमाजी होते हैं। और झूठ, शरीकेबाजी, बदला और फसाद जितना देहात में होता है उतना तो शहरों में भी नहीं होता। अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा फहश किस्म के जुगते लगाते हैं और बच्चों को बजाय अखलाकियात की तालीम देने के खुद बद अखलाकी की मिसाल बने होते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जब टीचर 45 मिनट पढ़ाने के पैसे ले लेता है लेकिन 20 मिनट पढ़ाता है और बाकी टाइम या तो मोबाइल पे गुजारता है या जुगतबाजी में या मजाक करने में, तो जब असातिज़ा तक के पेट में हराम की कमाई होगी तो वो क्या अखलाक सिखाएंगे। और सबसे बढ़कर हम जिंस परस्ती और लोंडेबाजी पे पने हुए मजाक इस कदर आम हो चुके हैं, इस कदर आम हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बिलावल भुट्टो और शेख रशीद की मीम्स इस कदर आम हो गई हैं कि जैसे ये कोई मसला ही नहीं, जैसे ये कोई खिलाफ इस्लाम, खिलाफ तहजीब कोई बात ही नहीं। ये फितना मजाक मजाक में इस कदर आम हो गया है कि अब तो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी से मुस्तस्ना नहीं। जिस कौम के बच्चे 12-12, 13-13 साल की उम्र में स्कूलों से ही फहाशी और पोर्नोग्राफी के मरीज बन जाते हैं, तो क्या वो हवस के पुजारी नहीं बनेंगे?
करेंगे? ऐसी जगह ज़ैनब जैसे केस सामने नहीं आएंगे तो और क्या होगा? मुझे हैरत होती है कि हर बंदा मीडिया को तनकीद का निशाना बनाता है, हर बंदा मीडिया को फहाशी का असल कसूरवार ठहराता है, लेकिन खुद को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता। जो उस मीडिया को बड़े शौक और बाकायदगी से देखता है और उस मीडिया को अरबों रुपए का बिजनेस भी देता है, बल्कि टीवी और गाने तो इस कौम के लिए आज ऑक्सीजन बन गए हैं। आप अभी किसी नाई की दुकान पर चले जाएं, किसी दर्जी की दुकान पर चले जाएं, हत्ता के किसी चिकची रक्षे को देख लें, सब जगह गाने और मुजरे चल रहे होंगे। तकरीबन हर बंदे के व्हाट्सएप के स्टेटस पर या तो कोई टिकटॉक की वीडियो या फिर गाने लगे होंगे। और सबसे बढ़कर बेशर्मी और हराम इस कौम में इस कदर सराइयत कर गया है कि अब तो नातों को भी म्यूजिक के बगैर नहीं सुनते, नातों तक के अंदर म्यूजिक लगा दिया गया है। हमारी कौम का तो मजदूर और गरीब बंदा भी उतना ही खबीस है कि जितना अमीर। हर बंदा हराम खाता और कमाता है, फर्क सिर्फ ये है कि कोई ज्यादा खाता है और कोई कम। मुझे बताइए कि कितने मजदूर और कितने गरीब लोग आप मस्जिद में देखते हैं? किसी बाजार में चले जाएं, मर्दों से कई गुना ज्यादा औरतें नजर आएंगी। औरत अब बाजार की जीनत बन चुकी है। इस इस्लामी मुआशरे में आज तक किसी को कुरान तर्जमे से पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, और अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ अपने मतलब के दलाइल ढूंढने के लिए। बरेलवी कुरान खोलते हैं तो ईद मिलादुन नबी को सही साबित करने के लिए, शिया कुरान खोलते हैं तो जुलूस और मातम को सही साबित करने के लिए, तबलीगी जमात वाले कुरान खोलते हैं तो सिर्फ तबलीग के दलाइल ढूंढने के लिए, औरतें कुरान खोलती हैं तो मर्दों को निगाहें नीची करने वाली आयत दिखाने के लिए, और मर्द कुरान खोलते हैं तो औरतों को पर्दा करने वाली आयत दिखाने के लिए। और बहुत सी अवाम तो ऐसी है कि जो सिर्फ और सिर्फ वजीफे करने के लिए कुरान खोलती है। यानी इन लोगों ने कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना दिया है। अपने मतलब का नंबर निकाला और डायरेक्टरी बंद। उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। हर जुमे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं, कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से कैसे बचा जा सकता है, बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है, झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। उलमा भी लोगों को नहीं कहते कि कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो और सुनो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है। और यकीन कीजिए कि जब आप कुरान तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक बार सुभान अल्लाह या 100 बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी, अमल करना पड़ता है अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं। कायदे आजम अलामा इकबाल और 50 लाख शहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने। गज़वा अहद में जब सहाबा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी, हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात कीजिए। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को इस तकरीर का कोई असर ना, क्योंकि जिस पेट में हराम, जबान पे झूठ, कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो, उन दिलों पर हक की बात असर नहीं करती। मैंने कभी इतनी बदतमीजी और सख्त अल्फाज से बात नहीं करनी थी, लेकिन यकीन कीजिए मैं बहुत मजबूर हूँ साफ साफ अल्फाज में अपनी कौम को उनकी हैसियत दिखाने के लिए। कैसल में बदनामी के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं। कैसल में जलालत आप लोगों ने खुद खरीदी है। ना तो आप कुरान के मोमिन हैं, ना इकबाल के शाहीन।